सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, पीटीआई वालों का, तमाम दोस्तों का। ये आपने जो आज एहसन कदम उठाया है, और मैं समझता हूँ ये हक भी आपका ही बनता था और आपको ये स्टैंड लेना चाहिए था, लिया आपने। जहाँ तक बात है 30 की जो प्रोग्राम हो रहा है, ज़ाहिर है पहले भी जो पिछले साल हुआ प्रोग्राम, मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही कामयाब प्रोग्राम था। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो लोग जिन्होंने मेहनत की और ख़ासकर स्पॉन्सर किया। हर बंदे ने, जो भी साहिब हैसियत थे, उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बिलखसूस उमैर मियाँ और क्यानी साहब, फिदान, जितने भी थे, इन लोगों ने अमली काम वहाँ जो किया है वो हमने अपनी आंखों से देखा है, और यकीनन इस बार भी इनको ही क्रेडिट जाता है। मेजर खैर जो जो भी हिस्सा डाल रहे हैं, और ख़ासकर स्पॉन्सर लोग जो हैं, जो जिन्होंने स्पॉन्सर दिए हैं, सबसे ज़्यादा मुस्तक वो लोग हैं। मैं ये समझता हूँ कि कोशिश हर मुमकिन करनी चाहिए, क्योंकि 14 अगस्त के हवाले से प्रोग्राम है, तो 14 अगस्त के ही करीब ये प्रोग्राम होना चाहिए आइंदा, क्योंकि जाकर 1.5-2 महीने के बाद प्रोग्राम का होना, वो चार्म नहीं रहता है उसमें, वो चीज नहीं रहती जो 14 के करीब होता है। उसमें ज़ाहिर है मुहर्रम को भी देखना होता है, माह रमज़ान को भी देखना होता है, ये देखना कि छुट्टियां हैं या लोग गए होते हैं, तो वो कोई इतने ज़्यादा लोग नहीं गए होते हैं, 5-10% लोग पाकिस्तान गए होते हैं, और बाकी ममालक में भी 14 अगस्त के हवाले से 14 अगस्त कोई प्रोग्राम होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फ्रांस से ज़्यादा लोग जाते हैं, आइंदा हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि 14 के करीब जो भी दिन पड़े, उस वो दिन जो है उमैर मियाँ को भी मैं इनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि आइंदा जो है वह 14 के करीब प्रोग्राम किया जाए। दूसरी बात जो है ये फेंडर के हवाले से है, ये खान साहब जब इकतदार में आए, ज़ाहिर पहली तकरीर में ही उन्होंने बहुत कुछ कहा, और पूरी दुनिया में वो तकरीर सुनी गई जो पहली उनकी तकरीर थी। कोई भी ऐसा जी शऊर नहीं होगा कि जिसने उसकी तारीफ नहीं की थी कि जो उन्होंने बातें की। अगा वो हर हफ्ते कोई ना कोई बात कहते रहते हैं। मैंने अभी ये कल प्रोग्राम देखा है जिन्होंने, जो उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को खिताब किया है या ब्यूरोक्रेसी को, और यकीनन वो 18 ग्रेड से ऊपर ही थे। एक एक लफ्ज़ जो है, यकीन जाने अगर वो कोई गलत बात कर रहे होते तो मेरा ख्याल है कोई एक भी खड़ा हो सकता था, क्योंकि सामने जो लोग बैठे थे वो बहुत ही करीम थी। और ज़ाहिर है इतना कर्ज़ा इस मुल्क के ऊपर है, तो ज़ाहिर ये हुकूमत कौन कौन सा काम करेगी। ज़ाहिर ये जो डैम के हवाले से हमने ही मदद करनी है, हमारे लिए ही बन रहा है, हमारी नस्लों के लिए ही बन रहा है, और हमें इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। कुछ भी हो, कुछ भी हो, थोड़ा भी दें, देना ज़रूर चाहिए। और मैं समझता हूँ ये यानी मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, आपने कदम उठाया है, और ये जो काउंटर वहाँ बनेगा नेशनल बैंक का, वहाँ जिन लोगों को नहीं भी पता, ज़ाहिर लोग जाएंगे, वो देखेंगे, पूछेंगे ये काउंटर क्यों बना हुआ है, तो ज़ाहिर एक वो एकदम याद आएगा। और मेरे ख्याल में ये बहुत ही अच्छा ऐसा एकदम कदम है जो आप लोगों ने उठाया है, कि वहाँ जो काउंटर बनाया वो बहुत ही अच्छा किया आप लोगों ने, और इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं जो भी आप। देखें जी, ये तो कुदरती 30 को, क्योंकि प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम से हर मुमकिन फायदा उठाना चाहिए, मैक्सिमम लोगों को पता चलेगा, मैक्सिमम लोगों तक पैगाम जाएगा। ये इत्तेफाक से बहुत अच्छा हुआ है कि जो इन दिनों में वो प्रोग्राम हुआ है। बहुत शुक्रिया। Very good.